हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। आज हम एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियजनों, अपना समय निकाल कर इस वीडियो को ध्यान से थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। मेरे प्रियजनों, यदि आप बपतिस्मा लेकर भी पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, यदि आप ताड़ना प्रभु की ओर से हो रही है, तो प्रभु आपको बचाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, क्योंकि यीशु मसीह हम सभी से बहुत प्रेम करता है। जब बपतिस्मा लेकर भी प्रभु में आकर पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्रियजनों, यदि आपकी ताड़ना प्रभु की ओर से हो रही है तो आप धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। ठीक है, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले एक बात कह गए थे अपने चेलों से, हम सभी से, वचन में कहा है, तुम जागते रहना और तैयार रहना, तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने साफ साफ अपने वचन में कहा है, वह घड़ी दोपहर की भी हो सकती है, सुबह की भी हो सकती है, रात की भी हो सकती है, उठते बैठते खाना खाते वक्त की भी हो सकती है। हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। यहाँ पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है कि तुम रात भर जागते रहो। यहाँ पर जागने का मतलब ये है मेरे प्रियजनों कि हम सुबह शाम प्रार्थना में लगे रहें, वचन में बने रहें, पापों की नींद में नहीं सोना है, दुनिया की बड़ी में नहीं खोना है। जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ जरूर चले जाएं, क्योंकि यीशु मसीह अचानक आएगा, अचानक आएगा, अचानक। कोई तो उस समय पाप कर रहा होगा, कोई तो उस समय गुनाह कर रहा होगा, कोई तो उस समय व्यभिचार कर रहा होगा, और कोई तो उस समय बाइबल पढ़ रहा होगा, कोई तो उस समय प्रार्थना कर रहा होगा। जो कहीं उस समय तैयार होगा, अपनी तैयारी बना के रखा होगा, उसको यीशु मसीह उठा लेगा, बदल कर उठा लेगा, बाकी यहीं छोड़ देगा, कचड़ा यहीं छोड़ देगा। क्योंकि बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने स्वर्ग का कचड़ा साफ किया, सता लूसीफर को नीचे गिराकर। अब वही कचड़ा बटोर कर बार बार परमेश्वर स्वर्ग में नहीं ले जाएगा तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ पर रहते हैं वह जगह पवित्र है, उसका सब भी पवित्र। अपने आप को दो पवित्र करो, तैयार करो भाई, समय कम है, दिन बुरे हैं यार, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। क्यों ना सोना चाहते हो पाप करके, बेविचार करके, इसमें कुछ नहीं रखा है शरीर को सुख देने के चक्कर में, क्यों अपनी आत्मा को नाश कर रहे हो? थोड़ी सी मजा, अनंत काल की सजा देगा परमेश्वर, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यीशु मसीह न्याय परमेश्वर, वह न्याय करेगा, क्योंकि वह न्याय करने वाला परमेश्वर है जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी। आज मनुष्य ने पाप करके खुद जीवित खुदा के न्याय को ललकारा है, जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। आज परमेश्वर उसने क्या करे? देखिए, यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था जो पाप से भरा हो, मगर आज मनुष्य पाप कर रहा है, खुद पाप का कारण बन चुका है, तो परमेश्वर उसमें क्या करे? परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा बनाया था, ऐसा कुछ नहीं रचा था जो पाप से भरा हो। मेरे प्रियजनों, अभी समय है, छोड़ दो गंदी लते, छोड़ दो और लौट आओ परमेश्वर के पास, लौट आओ, मन फिरा लो, वरना परमेश्वर आपको नाश करके रख देगा। मन फिरा लो, क्यों नूह के समय वाले काम करोगे? क्योंकि नूह का समय आज चल रहा है मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह आने वाले हैं। कब अपने आप से पूछ कर देखो मेरे प्रियजनों, आप कब तक पाप करते रहोगे? कब तक? क्या अंत नहीं? अंत है इन सब पापों का। मेरे प्रियम, जैसा मत्ती 3:2 में लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, पापों से तोबा करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर से माफी मांगो, अपना मन फिराओ पापों से, गुनाहों से तोबा कर लो, पश्चाताप करो, मन फिरा लो अपने पापों से, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, निकट आ चुका है। मेरे प्रियम, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की पुस्तक 18:10 में, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। मेरे प्रियजन, अपने आप से पूछ कर देखो, यदि आप आंख रहते हुए, यदि अपने आंखों से पाप करते हो, ऐसा कुछ देखते हो, व्यभिचार करते, गुनाह करते, घर कते करते, आंखों से पाप करते, तो यीशु मसीह ने कहा है आंख रहते हुए यदि तो नरक में डाला जाएगा, तो उससे क्या लाभ होगा? इसलिए यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर अपने पास से फेंक दे। हमें आंख नहीं निकालना है। यदि हमारा फोन या हमारी गर्लफ्रेंड या हमारी ऐसी कोई चीज़ मुझे पाप में गिराती है, आंखों से पाप कराती है, तो हमें उसे छोड़ना है, ना कि हमें आंख निकालना है मेरे प्रियजनों। और आगे मैं आपके लिए लास्ट वचन पढ़ देना चाहता हूँ, इब्रानियों 10:27 में, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी जो विरोधियों का भस्म कर देगा।
इमरान 10:26 में लिखा हुआ, यदि हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ के पाप करते हैं तो उसके पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, बस उसके लिए एक ही रास्ता है और वह नरक की आग जो विरोधियों को भस्म करेगी। यदि आप प्रभु में आकर भी पाप करते हो, बेविचार करते हो, गुनाह करते हो, ऐसा कोई काम करते हो तो याद रखना परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। वही नूह के दिन में जैसे लोग नूह में पाप करे, बेविचार करे, गुनाह करे थे, नूह ने लोगों को मन फिराने का टाइम दिया, अवसर दिया, चेताया कि मन फिरा लो, मन फिरा लो, परमेश्वर नाश करके रख देगा। परंतु लोगों ने नूह की बात को, आज नूह की बात को लोग हल्के में ले रहे थे, मजाक में ले रहे थे, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया, बाद में उन लोगों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था 40 दिन 40 रात की वर्षा में। आज मैं भी नूह की तरह चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहा हूँ, अरे बचा लो अपने आप को, यीशु आने वाले हैं, तैयार कर लो, समय कम है, दिन बुरे हैं, अपने आप को बचाओ। मेरे प्रिय, आशा करते छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।